Once again, Ji, Assalamu Alaikum. And I've got Rehan Hashmi in the studio. Assalamu Alaikum, Rehan, how are you? Waalaikumsalam. Bahut bahut shukriya for being here on the show. Please, thoda sa zara batayenge ki in dono jo surat-e-haal hai, bada ek major masla hai economics. Aur wo hai, bada major masla. Sindh hukumat ne relief package ka elan kiya hai, Wazir Azam ne relief package ka elan kiya. Acha, main aap logon ke liye baat kar raha hu, to aap log call bhi kar sakte hain, sun bhi sakte hain. And Rehan bahut khuli baat karte hain, to wo jawab bhi uska de denge. तो रेहान, डू टेल के यार होना क्या है आगे, मतलब क्योंकि अभी तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो सब बंद हो जाएंगी, बहुत बड़े मैसिव लॉस से भी हम गुजरेंगे, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी. अमेरिका के अंदर आज तारीख की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट फाइल हुई है, और अमेरिका जैसा मुल्क अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हमारी तो डीप पॉकेट्स भी नहीं है, तो क्या सूरत हाल होगी? बिस्मिल्लाह, देखें, हमें तो वैसे तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है ऑनगोइंग, उसमें रियलिज्म की तरफ भी होना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच भी रखनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नज़र नहीं आती. अच्छा, हत्ता के लॉकडाउन की जो डेफिनेशन है वो भी अलग अलग है ना, वो अलग है. हाँ. सूबाई हुकूमत अपनी अपनी डेफिनेशन दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट अपनी डेफिनेशन दे रही है. यहाँ पर कलेक्टिव विजडम की कमी नज़र आ रही है, यहाँ पर जो अप्रोच लीडरशिप की होनी चाहिए. यार, इलेक्टिव विजडम की भी कमी है और कलेक्टिव विजडम की भी कमी है, नहीं है ना यार? आप लोग कलेक्टिव विजडम होगी तभी अलग. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू. एक बात मुझे कहने दीजिए, उसके बाद आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा. मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कल मैंने ये फिरदौस शमी नकवी साहब से भी पूछी थी, आपसे भी पूछ रहा हूँ. अगर ये तमाम पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए सबसे पहले आता है, तो एक टेबल पर वो पाकिस्तान के लिए बैठते क्यों नहीं है? देखें, सबसे हाईएस्ट फॉरम जो है पार्लियामेंट का, वो बुनियादी तौर पर इसी मकसद के लिए कि तमाम अफकार व ख्याल और पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग अपने लोगों की नुमाइंदगी करें वहाँ पर. वो बदकिस्मती से जब अखाड़ा बन जाएगा और वहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का गढ़ बन जाएगा, तो प्रोडक्टिव चीज़ें अमूमी तौर पे होती हुई नज़र नहीं आएंगी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो रहा है. जबकि पाकिस्तान की अव्वलियत सबके सामने है, तो रास्ता सबका अलहदा हो सकता है, लेकिन गोल जो है वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है सबका. उस गोल को अटेन करने के लिए किसी ने कोई और रास्ता अख्तियार किया हुआ है, किसी ने सोशल वर्क किया हुआ है, किसी ने सियासियात की हुई है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई फनकारों ने अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, सहाफ़ियों ने कलीदी किरदार अदा किया है. सबका अपना अपना रोल है, और उस रोल के तहत वो किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं कौम को. अभी तो सिलसिला यह है कि ख़ासतौर पर जो थ्रेट आई हुई है, ग्लोबल थ्रेट आई है बुनियादी तौर पर, और ग्लोबल फिनोमेना है, इसको काउंटर किस तरह करें, उसके लिए दीगर ममालिक जो हैं सब ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई. कुछ ने आइसोलेशन की तरफ गए, कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फोकस किया. मैंने ये बात क्यों की रेहान, ज़रा वो फुटेजेस रेडी कीजिएगा, जो यूएस की फुटेजेस हैं हमारे पास, जो शुमाला ने बनाई है, वो सारी मैं रेहान को भी दिखाऊंगा. मैंने ये बात इसलिए की कि रेहान, अगेन बात वही आ जाती है, यूएस जैसा मुल्क जिसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, वो जब लोगों को रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि जी आप ये बताइए आपने पिछले साल कितना टैक्स भरा है, और आप, मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ, रात की, कितना टैक्स भरा है, और हम आपको उसके हिसाब से आपको हम इनकम दे देंगे, तो मिनिमम $2,500 से $3,000 का चेक जो है वो आपके घर पे आ जाएगा. इससे कम से कम कुछ तो आंसू पूछते हैं. हमारे यहाँ जो रिलीफ पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, आपके ख्याल में गरीब आदमी उससे गुजारा कर सकेगा? देखिए, अव्वल तो रिलीफ पैकेज का आपके पास कोई तरीक़ाकार ही वजह नहीं है. आपके यहाँ जब मरदमशुमारी एक्चुअल नहीं हुई है, तो रिलीफ पैकेज किस बुनियाद पे देंगे? देखें, किसी भी मुल्क में जो इवैल्यूएशन होती है, जो प्लानिंग होती है, वो बुनियाद करती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर. जब आप, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहे वो खाना शुमारी हो, चाहे वो मर्दम शुमारी हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो टैक्स नेट को एक्सपेंड करना हो, तो इसके ऊपर इन्हिसार करता है. आपके यहाँ तो कराची को अगर आप फ़र्ज़ करें, हाइपोथेटिकली कराची को अगर रिलीफ देंगे, तो आप क्या वो जो आज़ाद ज़राए कहते हैं कि 3 करोड़ आबादी है, उस तनासुब से देंगे, या आपकी मर्दमशुमारी जो कहती है लगभग 2 करोड़ के करीब, उस तनासुब से देंगे? जबकि ये जहन में रहे कि पॉवर्टी लाइन के पास या पॉवर्टी लाइन के नीचे आपकी 40% आबादी है, तो किस बुनियाद पर करेंगे? अगर आप आज़ाद ज़राए की बुनियाद पर करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जनाब 1.5 करोड़ के करीब आपकी आबादी है, जिसको फौरी तौर पर कराची में रिलीफ की ज़रूरत है. क्योंकि पॉपुलेशन इनफ्लो हुआ है, वर्टिकल एक्सपेंशन हुई है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुई है, तो आप किस बुनियाद के ऊपर करेंगे? मुझे इजाज़त दीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो लाइन पे हैं इस वक्त, मैं उनसे बात आगे बढ़ने जा रही है या ये 14 को ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, उससे तो बेहतर ये है अगर लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेकर जाना है और ख़तरात को कम से कम करना है, तो
तो लॉकडाउन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? उस लॉकडाउन के जुमरे में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सोशल गैदरिंग होगी या सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिनको शटडाउन करना पड़ेगा टेम्प्रेरी, उसके बाद मेरा ख्याल है इसको बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ सेक्टर्स को, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट करके अंडर सम सर्टन एसओपी, मतलब मिक्स लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत लॉकडाउन को डिफ़ाइन करे, फिर इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट की बात करे, क्योंकि यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी का मामला है। और जहाँ तक ये अभी हम पोस्ट इवेंट सिनेरियो की शायद लगता है तैयारी कर रहे हैं, प्री इवेंट क्यों नहीं किया हमने? प्री इवेंट अगर कर लेते तो चाहे वो दीगर ममालिक से आने वाले लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग थी। अच्छा, हाँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखें यार, अगर हम एक ब्रेक ले सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, एक ब्रेक ऊपर से पूछ लें, इफ़ वी कैन एक्सटेंड वन मोर ब्रेक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रेहान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तफ्तान बॉर्डर पर इसको हम रोक सकते थे? 450 किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ पर अगर इनको क्वारंटीन कर दिया जाता तो शायद ये हमारे मुल्क में आता ही ना। और दुनिया में ऐसे बेशतर ममालिक हैं जहाँ ये नहीं है, जहाँ पर इक्का दुक्का केसेस हैं और उनको कंट्रोल कर लिया गया, तो ये क्यों नहीं किया गया? फेडरल गवर्नमेंट हमारी इत्तेहादी है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे हमारे दोस्त, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये वो मामला है जो कि जिसने इस हसासियत तक पहुँचा दिया है, मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। वो कौन से ऐसे अनासिर थे, वो कौन से ऐसे अवामिल थे, वो कौन से ऐसी पॉइंट स्कोरिंग थी सियासी कि जिसने मजबूर किया कि वहाँ से आइसोलेशन सेंटर बनाने के बजाय लोगों को इंटर कर दिया जाए मुल्क में? मेरा ख्याल इसका होना चाहिए। और इस मुसीबत के वक्त से निकले कौम तो इसको बड़ी सतह के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखें, अब हम जब पोस्ट इवेंट सिनेरियो क्रिएट होने की तैयारियां कर रहे हैं तो हमने प्री इवेंट के ऊपर क्यों नहीं किया? आज हमारे पास हज़ारों की तादाद में पीएचडी डॉक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से होने चाहिए थे, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने खर्चे के ऊपर आरएनडी के ऊपर पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भेजा। क्या वो वापस आए? क्या उन्होंने वापस आकर कोई कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तानी आवाम का पैसा जो लगाया गया, क्या उन्होंने रिटर्न किया? ये देने का वक्त है। इसी तरह टैक्स नेट की बात कर रहे हैं, देखें कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नज़र नहीं आती। जो बेचारा 40,000 रुपये कमा रहा है, शहर में रहता है, अच्छा, किसी भी शहर में रहता हो, पता लगा, एक आखिरी बात, जी जी प्लीज़, वो 40,000 रुपये 30,000 रुपये कमाने वाला शख्स भी उतना ही टैक्स दे रहा है, लेकिन जो 40 लाख रुपये कमा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ अर्बन एरियाज़ के ऊपर वर्किंग क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। अच्छा, एक सवाल है, आप इत्तेहादी हैं पीटीआई के, और मुझे एक बात, आप बड़ी हैरान मैं होता हूँ इस बात पर, मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देके पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, उनके पास पैसा भी अवेलेबल है और वो पीटीआई के साथ भी हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको खुद पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐलान आया नहीं है? एक ऐलान आया है कि यू नो चीनी जो है वो 67 रुपये 68 रुपये की मिलेगी, तो कम ऑन, दैट्स जस्ट, वो तो काम है, कारोबार है, उसका कोई ताल्लुक वैसे तो कुछ नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की खिदमत से क्या हुआ, या लोगों को पैसा देने से क्या हुआ, लोगों की इमदाद करने से क्या हुआ? देखिए, अभी हमें खुद इन्हसारी की तरफ जाना चाहिए था ना, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मकसद यही है कि आप 3 साल का प्लान बना लें, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान के 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लान को लेकर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में शामिल होंगे, साउथ कोरिया उसकी मिसाल है। उसके बाद अगर हम ये, अभी देने का वक्त है, पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान से कमाया, बनाया, अपना नाम कमाया, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, अभी देने का वक्त है। अनफॉर्चुनेटली वो देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टैक्स नेट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। ये बदकिस्मती है, लेकिन अभी शायद वक्त है। खुद इंसारी की तरफ बात कर, जब कर रहे हैं हम, खुद इंसारी कब होगी कि जब हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि IMF के पास जाना ज़रूरी था, क्योंकि जिस किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना था और है और रहेगा, बेल आउट पैकेज की भी ज़रूरत थी। लेकिन एक सवाल ये है कि फिर बोला क्यों गया था कि हम कभी नहीं जाएंगे? वो ऐसे बयान थे जिसके अंदर, बिकॉज पता है लोगों ने ट्रस्ट किया था, एक बड़ा ट्रस्ट ब्रीच है। अभी PTI को ये रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट ब्रीच बहुत ज़्यादा है, और वो ट्रस्ट ब्रीच इतनी हो चुकी है कि अगर आप नॉर्मल आदमी से पूछें तो वो कहता है अब हमें यकीन नहीं है। देखें, ये तो है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी, और एक्सपेक्टेशंस वो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बढ़ाया गया हर पार्टी। मुझे आप एक बात बताइए, क्यों बनी थी एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि बताया गया था ना। देखें, यही तो है ना कि हम कम से कम अपने स्टेटमेंट्स देते वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी एनालाइज़ करना है। अब जैसे ये फोर्स बनाने की बात की जा रही है,
आपके पास बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, उस बल्दियाती निज़ाम के ज़ेर इंतज़ाम आप चीज़ों को बेहतर तरीके से तरसील देते हैं, क्योंकि एक गली मोहल्ले का, क्योंकि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें। मैं बड़ा अजीब जुमला बोल रहा हूँ, मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा प्लीज़। मुझे लगता है विफाक को, ख़ास तौर पर जो विफाक में फैसले होते हैं, वहाँ सूबाई हुकूमतों पर कोई ट्रस्ट नहीं है, उसके दरमियान कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता, वो आपके किसी निज़ाम को मानते नहीं है। सूबाई, अब देखें, आप ना माने कोई मसला नहीं है, आप क्योंकि पॉलिटिकल राइवल्स हैं, पॉइंट स्कोरिंग करनी है। आप बल्दियाती निज़ाम जो कि नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर ट्रस्ट करें, और मिक्स है ये हर जगह पर, कहीं पर MQM है, कहीं पर PTI है, कहीं पर पीपल्स पार्टी है, तो और गली मोहल्ले के बारे में सही मालूमात रूट लेवल के ऊपर जो आदमी है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो बेहतर जानता है। आप टाइगर फोर्स बनाएं, आप स्पाइडरमैन फोर्स बनाएं, या कुछ भी बनाएं, लेकिन असल आपको इस्तेमाल करना है अपने इलेक्टेड लोगों को। और अब मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है, मेरे खदशात हैं कि ये पॉलिटिकल कैंपेन ना बन जाए। इसको हमें मुल्क की सलामती, लोगों के इस्तेहकाम के लिए, लोगों के वेल बीइंग के लिए, कॉल मी सिली बट एक सवाल है मेरा रेहान आपसे, एक सवाल है। जब हम कैसी भी इसी कोई लाहे अमल की बात करते हैं, तो वाई कांट इट बी कि शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, खालिद भाई साहब, एंड देन यू नो तमाम पार्टीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक साथ वज़ीर आज़म के साथ एक टेबल पर बैठें और वही कोर कमेटी हो और वो कोर कमेटी सारे फैसले करें। देखें, लीड तो करना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर ये इनिशिएटिव ली जाती है और जिसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, तब चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। शाह महमूद साहब ने जिस तरह भी कहा कि शायद मीटिंग कॉल की गई थी, कॉन्ट्रोवर्शल हो गई थी वो, और उसमें कुछ मसाइल आ गए थे, इन सब चीज़ों से निकलने का वक्त है। माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों सूरतों पे आपको अभी तैयारी करनी है। ख़ुद इन्हसारी की तरफ जाना पड़ेगा हमें, और यह शायद हाई टाइम है कि हम डिसाइड कर लें मिनहसुल कौम के हमें करना क्या है, हम सिमत का तायुन कर लें, और उसमें आम पाकिस्तानी जिस बेचारी की अप्रोच नहीं है, जो हमारी आबादी का शायद गालिबा 45% है, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, पॉवर्टी लाइन के करीब करीब रहता है, उसके बारे में सोच लें, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये जितने भी हम समेत तमाम लोग पावर कॉरिडोर्स में आते हैं और उन्हीं की वेलबींग की बात करते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए अगर हम बेहतर मौाक़े फराहम कर सकते हैं, तो वो पॉलिसी है, कानून साजी है, पॉलिसी साजी है, तो उसके ऊपर अभी मेरे ख्याल ज़ोर देने की बात है, और उसको बिल्कुल तमाम सियासी वाबस्तगियों से बाला काट के काम करना है। आई होप बिकॉज़ आई हैव सीन यू, आई नो योर वर्क, आई होप कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कानून दो किस्म के होते हैं, एक वो जो बाकी तमाम लोगों के लिए, एक वो जो किसी दूसरे पे अप्लाई होता है। आई एम रियली सॉरी बट आई एम बीइंग ब्लंट, ये ऐसा है यार, उसमें मैं नहीं मानूँ या आप नहीं मानो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी बात इससे पहले वेरी क्विकली आपको जवाब देना है, आपको लॉकडाउन आगे होता हुआ जाता नज़र आता है? जी जाता हुआ बिल्कुल। रेहान थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ डू कम अगेन, तशरीफ लाइएगा, आपसे बात करके हमेशा बहुत खुशी होती है। आपको मैं टेलीविजन पर देखता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान में जो काम करते हैं, योर वन ऑफ देम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।